गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री चैप्टर 3, नाजीज एंड द राइज ऑफ हिटलर। मैं आपको नाजीज एंड द राइज ऑफ हिटलर के बारे में बता रही थी। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको इसके कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन किए थे। उसमें जो टॉपिक्स थे वो थे हिटलर्स राइज टू पावर, फिर मेरा सेकेंड टॉपिक था टू द डिस्ट्रिक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी, रिकंस्ट्रक्टिव एंड अदर टॉपिक्स। तो टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट टॉपिक नाजी वर्ल्ड व्यू। आज मैं आपको नाजी वर्ल्ड व्यू के बारे में बताने जा रही हूँ कि नाजी वर्ल्ड व्यू था क्या। द क्राइम्स द नाजीज कमिटेड वर लिंक टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिस। नाजी आइडियोलॉजी वॉज नोमेरियस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वॉज अ इक्वेलिटी बिटवीन पीपल बट ओनली अ रेसिकल इन द व्यू। ब्लाइंड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप वाइल ज्यूज वर लोकेटेड एट द लोएस्ट रंग। दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस द एनिमीज ऑफ द आर्यंस। ऑल अदर कलर्ड पीपल वर placed in between depending upon their external features. Hitler's is borrowed from thinkers Link and Herbert Spencer was a natural scientific who tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolution and natural selection. Herbert Spencer added the idea of survival of the fittest. According to this idea, only those species survived on the earth then could adapt themselves to the changing climate conditions. We should bear in mind that Darwin never advocated human intervention in what we thought was purely natural process of selection. The other aspect of Hitler's ideology related to the geopolitical concept of living space. He believed that new territories had to be acquired for settlement. This would enhance the area of the mother country while enabling the settlers of new lands to retain an intimate link with the place of their origin. It would also enhance the material resources and power of the German nation. नाजीज़ द्वारा किए गए जो क्राइम्स को एक क्या सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिलीफ और सेट ऑफ प्रैक्टिस से लिंक किया गया, जितने भी नाजीज़ के क्राइम्स थे। नाजी की आइडियोलॉजी और हिटलर का वर्ल्ड व्यू एक जैसा था। इसके अकॉर्डिंग लोगों को कोई इक्वलिटी नहीं थी, नाजी के अनुसार रेसिकल थी, और इस व्यू से ब्लैंड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस टॉप पर थे और ज्यूज सबसे नीचे आते थे। ज्यूज को एंटी रेस और आर्यंस का ब्रेवी माना जाता था। बाकी कलर्ड पीपल को बीच में रखा गया था। हिटलर की रेसिस को और हर्बर्ट स्पेंसर से बारो किया गया था। डार्विन एक नेचुरल साइंटिस्ट था जिसने क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से एक्सप्लेन किया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने बाद में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का आइडिया दिया था। इस आइडिया के अनुसार ओनली दीज स्पेसीज सर्वाइव्ड ऑन अर्थ दैट कुड अडॉप्ट देमसेल्व्स ऑन चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस। नाजीज का जो आर्ग्यूमेंट था वो सिंपल था, और यह था कि स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड वीक वंस वुड पर्शियन। नेक्स्ट टॉपिक है द रेसिकल यूटोपिया। अंडर द शेडो ऑफ द वॉर नाजीज प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डर्स रेसिकल आइडिया। द एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम क्वाइन। ऑक्युपाइड पोलैंड वॉज डिवाइडेड अप, मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वॉज एनेक्स्ड टू जर्मनी। पोल्स वर फोर्स टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू बी ऑक्युपाइड बाई एथेनिक जर्मन्स ब्रॉट इन फ्रंट ऑक्युपाइड इन द अदर पार्ट कॉल द जनरल गवर्नमेंट। सी डिस्टिंक्शंस ऑफ द
undesirable of the empire, members of the Polish intelligence were the murder in the last number in order to keep the entire people intellectually and spiritually survival. तो इस तरह से हमने देखा कि जो एक बार पावर में आने के बाद नाजीज़ ने एक्सक्लूसिव रेसिकल कम्युनिटी के ड्रीम्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया. नाजीज़ जो था सिर्फ जो है प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस को सोसाइटी चाहते थे. उनके अकॉर्डिंग इवन दोज जर्मन्स हु वर सीन एज इम्प्योर एंड एबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिट. वहाँ जो था प्रोग्राम के तहत हेलमुथ के फादर ने दूसरे नाजी ऑफिशियल्स के साथ मिलकर बहुत सारे जर्मन जो मेंटली और फिजिकली अनफिट थे उन्हें मार दिया. जर्मनी में सिर्फ ज्यूज कम्युनिटी ही अनडिज़ायरेबल नहीं थी, बहुत सारे बैंक्स और नाजी जर्मनी में रहते थे उन्हें रेसिकली इंटीरियर माना जाता था. उन्हें जो नाजी जर्मनी के ज्यूज ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया एंड वॉर की शेडो में नाजीज़ ने अपने मर्डर्स और रेसिकल आइडिया को रियलाइज़ किया. ऑक्यूपाइड पोलैंड डिवाइडेड था, नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड जर्मनी में मिला दिया गया. पोल्स को अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ा जिसे एथनिक जर्मन्स ने ऑक्यूपाई किया. पोलिश इंटेलिजेंसी के मेंबर्स का लार्ज नंबर में मर्डर किया गया. पोलिश चिल्ड्रन जो आर्यन जैसे दिखते थे उन्हें उनकी मदर से छोड़कर जो है रेस एक्सपर्ट्स एग्जाम करते थे. अगर वे पास होते थे तो उन्हें जर्मन फैमिलीज में रेस किया जाता था, नहीं तो वे ऑर्फेन में छोड़ दिए जाते थे, मतलब अनाथ आश्रम में छोड़ दिए जाते थे. नेक्स्ट टॉपिक है यूथ इन नेक्स्ट जर्मनी. हिटलर वॉज इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री. ही फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टेब्लिश्ड ओनली बाई टीचिंग चिल्ड्रेन नाजी आइडियोलॉजी. दिस रिक्वायर्ड अ कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इन साइड एंड आउटसाइड स्कूल. वॉट हैपेंड इन स्कूल अंडर नाजिम. ऑल स्कूल्स वर क्लींज्ड एंड प्योरीफाइड. दिस मीन दैट टीचर्स हु वर यूज और सीन एज पॉलिटिकली अनरेबल वर डिसमिस्ड. Children were first, Germans and Jews could not be sit together or play together. Subsequently, undesirable children, Jews are physically handicapped, were thrown out of school and finally in the 1940 they were taken to gas chambers. Good German children were subjected to a process of Nazi schooling, a prolonged period of the ideology training. School textbooks were the rewritten. Racial science was introduced to justify Nazi ideas of race. Stereotypes about Jews were the popularized even through mass classes. Children were taught to be a loyal and submissive. तो इस तरह से हम क्या देखेंगे कि नाजी जर्मनी का जो यूथ था उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा. तो हिटलर ने अपनी कंट्री के यूथ को बहुत इंटरेस्टेड था अपनी कंट्री के लिए. वह मानता था कि स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी के एस्टेब्लिश करने के लिए चिल्ड्रन टीचिंग ज़रूरी है. इसके लिए चाइल्ड पर आउटसाइड कंट्रोल दोनों, इनसाइड और आउटसाइड कंट्रोल दोनों ज़रूरी है. नाजी में स्कूल में क्या हुआ, सारे स्कूल्स को क्लीन और प्योरीफाई किया गया. ज्यूज टीचर्स को डिसमिस किया टीचर्स को, और जर्मन्स और ज्यूज को स्कूल्स में एक साथ बैठना था. खेल को भी अटेंड नहीं कर सकते थे. अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन ज्यूज फिजिकली हैंडीकैप्ड को स्कूल्स के बाहर किया गया. फाइनली 1940 में उन्हें गैस चैम्बर में मार दिया गया. गुड जर्मन चिल्ड्रन को नाजीज स्कूली प्रोसेस से गुजरना पड़ा. उसमें लंबे समय तक आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी. स्कूल्स टेक्स्ट बुक को फिर से लिखा गया. रेसिकल साइंस को नाजी आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस किया गया. स्टूडेंट्स को जो था रॉयल और सबमिशन बनाया गया. उन्हें जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्हें ज्यूज को हेट करना और हिटलर को वर्शिप करना सिखाया गया. हिटलर बिलीव दैट द बॉक्सिंग एंड कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलाइन. जो यूथ लिंग ऑफ द नाजीज ऑफ द 1922 एस्टेब्लिश किया गया. फोर इयर्स के बाद इनका नाम हिटलर यूथ रखा गया.
यूथ रिमूव्ड को नाजी कंट्रोल में अनफाई करने के लिए बाकी सभी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में डिसॉल्व कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा। द नाजी रिजाइम used language and media with care and often to great effect. The terms and the coin to describe their various practices are not only descriptive that they are chilling. Nazis never used to the word skills of murder in their official communications. Mass killing were a term, special treatment, finally solution. In media was carefully used to win support for the regime and popularize its world views. Nazi ideas were spread through visual images, films, radio, posters and slogans, and in posters groups identified as the enemies of Germans were stereotyped, mocked, abused in the disguise as evil. Socialists and liberals were represented as the weak of degenerate. They were attacked as the foreign agents. Propaganda films were made of create hatred for Jews. The most infamous film was the Internal Jews. Orthodox Jews were stereotyped and marked with flooring, beards, wearing where is reality, and it was difficult to distinguish German Jews by their outward because they were a highly estimated community. They were referred as a raids and peace. Their moments were the compared to those roads and the Nazis made equal efforts to appeal to all the different section of the population. They sought to win their support by suggestion that Nazis alone could solve their problems. नाजीज़ रिजाइम ने लैंग्वेज और मीडिया को बहुत केयर से यूज़ किया। नाजीज़ ने कभी किल या मर्डर वर्ड्स का ऑफिशियली कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं किया। मास किलिंग को स्पेशल ट्रीटमेंट और फाइनल सॉल्यूशन सिलेक्शन और टर्म्स को कहा जाता है। एवोल्यूशन का मतलब होता है लोगों को गैस चैम्बर से डिपार्ट कर देना। गैस चैम्बर को डिस इन्फेक्शन एरिया कहा जाता है जो बाथरूम जैसे फेक को इक्विपाइड होते हैं। मीडिया को केयरफुली यूज़ का डिज़ाइन का सपोर्ट मिलता है और वह नाजीज के वर्ल्ड व्यू को पॉपुलराइज करता है। सोशलिस्ट और लिबरल्स को भी समझता जूस के प्रति हार्टेड फैलाई जाती है। द मोस्ट इनफेमस फिल्म्स वाज द इंटरनल जूस दे वर शोन विद हैविंग बीड्स वियरिंग जूस वर रिफर टू वर्मिन रेड्स एंड पीस नाजिम वर्ग एंड द माइंड्स ऑफ पीपल ट्रैप्ड विद देयर इमोशंस एंड ट्यून देयर हार्टेड ऑफ दोज मार्क्ड एज अनडिजायरेबल। इस तरह से मैंने आपको ये टॉपिक्स क्लियर किए। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स एज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये लास्ट टॉपिक है एंड मैनी शॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजी आईज एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज। दे फेल्ट हार्टेड एंड एंगर इनसाइड देम व्हेन दे शॉ समवन हु लुक्ड लाइक अ ज्यूज। They marked the houses of Jews and reported neighbors. They believed Nazi would bring prosperity and improve general well-being, but not every German was a Nazi. Many organized active resistance to Nazi braving policy, repression and death. The large majority of the Germans, however, were passive onlookers and witness. They were too unarmed to act. To defer to protests, they took away and resistance fighter observed the absence of the protests. तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। हिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर था मैंने कंप्लीट कर दिया है। मैंने जो भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं उनको अच्छे से देखिएगा, वीडियो को वॉच करिएगा, अच्छे से समझिएगा और जो भी मैं क्वेश्चंस के आंसर सेंड कर रही हूँ उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को आप फेयर कॉपी में कंप्लीट करिए और याद करिए।